सांसद जयप्रकाश के विवादित बयान का यह मामला, जिसमें डुलखाप ने आज पंचायत की और डुलखाप ने बयान भी दिया है। इस पंचायत के बाद कला क्षेत्र के 5 गांवों ने चुनावी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। 5 गांव ने जयप्रकाश का चुनावी बहिष्कार किया है। 5 गांव ढुल गोत्र के, जहां के लोगों की तरफ से ऐलान किया गया कि वो जयप्रकाश का चुनावी बहिष्कार करते हैं। आपको बता दें कि इन 5 गांव में ढुल गोत्र के अगर वोटर्स की बात करें तो 22,000 वोटर्स यहां पर हैं। आजाद उम्मीदवार अनिता ढुल बड़सिकरी को पंचायत ने फैसला दिया है कि वो समर्थन करेंगे, गांव का फैसला नहीं देंगे जयप्रकाश के लड़के को वोट। और सिरगा में हरसोला बड़सिकरी फरीदाबाद सेरधा और हरसोला खेड़ी गांव की पंचायत हुई थी। इस पंचायत में फैसला हुआ कि जयप्रकाश का बहिष्कार करेंगे। इस वक्त हमारे साथ श्वेता ढुल जुड़ गई हैं। श्वेता ढुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। जयप्रकाश का जो विवादित बयान था महिलाओं को लेकर, आज उसी को लेकर ढुलखाप ने पंचायत बुलाई थी। आप बताएंगी क्या फैसला हुआ इस पंचायत में, क्या निर्णय हुआ है खाप पंचायत का? देखिए, मैं इस पंचायत में मौजूद नहीं थी, इस पंचायत का हिस्सा नहीं थी, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, इसलिए मैं इन सभी गतिविधियों से दूर हूँ। लेकिन हम आपको बता दें, जयप्रकाश के बहिष्कार का फैसला किया है, विवाद शुरू हुआ था जब उन्होंने विवादित बयान महिलाओं को लेकर दिया था, और उसके बाद से ढुलखाप को लग रहा है कि वो या तो आपको लेकर कही गई टिप्पणी है या फिर अनिता ढुल को लेकर कही गई टिप्पणी है। जी, ये टिप्पणी जो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में की है वो सारी महिलाओं पर फिट बैठती है जो भी राजनीति में अपनी भागीदारी निभाना चाहती हैं, जो भी राजनेता बनना चाहती है, पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस की नेता हूँ, कांग्रेस के समर्थन में हूँ, और मैं कतई नहीं चाहती हूँ कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी या निर्दलीय इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करे कि भाई श्वेता के ये वो है विचार है। मैं केवल उन्होंने जो पर्सनल कैपेसिटी में महिलाओं के ऊपर कटाक्ष किया है उसके विरोध में हूँ कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया है, और उन्हें सार्वजनिक तौर पर आकर सभी महिलाओं से, प्रत्येक महिला से जो पूरे देश भर की महिला है, उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन श्वेता जी, आपका जब टिकट कटा, जब टिकट नहीं दिया पार्टी, तब भी आपने कहा था राजा का बेटा राजा बनता है, मेरे पिता बड़े होते तो आज टिकट मिल जाता। आज जब हम सुबह भी आपकी पोस्ट देख रहे थे, आपने नाम लिए बगैर फिर से हमला किया है जयप्रकाश को लेकर। एक तरफ आप कहती कि वो आप कांग्रेस में है, अनुशासित है, जो फैसला पंचायत का हुआ है उससे आपका लेना देना नहीं, क्या किसी तरह का दबाव है पार्टी की तरफ से आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं है। मैंने जो कैंपेन शुरू किया था वो युवाओं के मुद्दों को लेकर किया था। मैं भाजपा सरकार से नाराज थी और प्रत्येक युवा भाजपा सरकार से नाराज रहा है कि पिछले 10 सालों में भर्तियां नहीं हुई हैं, भ्रष्टाचार रहा है, भर्तियों में अनगिनत पेपर लीक हुए हैं। तो मैं बच्चों की भावनाओं के साथ हूँ और उन्हीं के साथ हमेशा खड़ी रही। जहां मैंने कहा था राजा का बेटा राजा बनता है, यह फैक्ट है, मैंने किसी का नाम लिए बगैर ये कहा था। तीसरी चीज, आज यदि मैंने वो कविता लिखी है नारी तू नारायणी, वो इसलिए लिखी है क्योंकि महिला, मैं सबसे पहले महिला हूँ। जो कटाक्ष किया गया, मेरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मैं हमेशा एक टैगलाइन यूज करती हूँ प्रियंका गांधी जी की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो मुझे इस जो पर्टिकुलर बयान दिया गया है इसके खिलाफ लड़ना है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ना है। समझ गए हम आपकी बात, लेकिन आप कांग्रेस का हिस्सा हैं तो जयप्रकाश जी भी तो कांग्रेस का हिस्सा हैं। माफी तो नहीं मांगी, कोई टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं आई, अगर लड़ाई है तो क्यों आप इसको अपनी पार्टी के स्तर पर नहीं उठा रही, क्यों आप खाप के साथ आकर इस लड़ाई को नहीं लड़ रही? मैं खाप के साथ, खाप तो निर्दलीय को समर्थन दे रही है, मैं तो नहीं दे रही हूँ निर्दलीय को समर्थन, मैं तो किसी और पार्टी के इंसान को नहीं दे रही हूँ। अब इसमें आप देखिए, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज और निर्दलीय ये इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है कि भाई श्वेता को ऐसे कर देते हमारे साथ आके खड़ी हो जाए। नहीं भाई, हजारों लाखों बच्चों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, कल को बच्चों के दोबारा मुद्दे होंगे, उठाएगा कौन? मैं इसे अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं बनाना चाहती हूँ। लेकिन क्या आपने अपने स्तर पर पार्टी के अंदर,
श्वेता जी, क्या आपने अपने स्तर पर पार्टी के अंदर इस बात को उठाया है कि ये जो टिप्पणी की गई, जो बयान दिया गया वो ठीक नहीं है, इसको लेकर व्यक्ति विशेष को माफी मांगनी चाहिए, जयप्रकाश को माफी मांगनी चाहिए? मैंने टैग करके सबको ये लिखा है, उन तक मैसेजेस पहुंचे भी हैं और मैं इसके लिए संपूर्ण आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस समय आने पर इस चीज के लिए एक्शन भी लेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। मेरा सवाल आपसे इसलिए था ये क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी के अंदर कुछ गलत होता है तो तब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाई, न्याय नहीं आपको मिलता, तो फिर आप कैसे, किस आधार पर या किस विश्वास के साथ कह पाएंगे कि जब आपकी पार्टी की सरकार अगर बन जाती तो आप बाकी लोगों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे युवा हो, लड़कियां हो या कोई दूसरा वर्ग हो, उनको आप न्याय दिला पाएंगी? बहुत अच्छी आपने बात कही कि यदि अभी नहीं, अपने लिए नहीं लड़ पाई तो औरों के लिए कैसे लड़ पाऊंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये अच्छी लड़ाई नहीं है जो मैंने सीधा सीधा लिखा है? क्या ये सीधा सीधा, मैं नहीं पूछ रही हूँ पार्टी के लोगों से या आला कमान से कि इन्होंने ऐसी टिप्पणी की है और इनके लिए मैं ऐसे ही चीजें बोलूँ पर्सनल कैपेसिटी में? मैं पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ कतई भी, पर्सनल कैपेसिटी में मैं पूछ रही हूँ। टैग मैंने सबको किया है तो मुझे अपनी पार्टी पर, अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, समय आने पर जरूर लेंगे, इसके बारे में जवाब भी मिलेगा और उस जवाब को सारी भारत की जनता सुनेगी। लेकिन श्वेता जी, कहीं देर ना हो जाए बहुत, चुनाव निकलने के बाद भी बाद अगर माफी मांगी गई और कहा गया कि चलो मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत बोल दिया, तब क्या फायदा उस बात का? चुनाव हरियाणा में जब चुनाव है उस वक्त अगर ऐसी टिप्पणी होती है, महिला आयोग तो सक्रिय हो गया, नोटिस थमा दिया, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से किसी की स्टेटमेंट तक नहीं आई अभी तक और आप उम्मीद करते कि न्याय होगा। मैं भी पार्टी का हिस्सा हूँ, मेरी स्टेटमेंट आई है, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ और मैं पूरा पूरा विश्वास इसको रखती हूँ कि जल्द ही और लोग भी इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा कोई और उठाए ये हमें बर्दाश्त नहीं। यह हमारा अंदरूनी मामला है, हमने बात भी की है, सब कुछ किया है और वो सबके सामने आने वाला है बहुत जल्द। लेकिन अब सबसे पहले तो आपने यही कहा कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष, एक महिला के लिए नहीं बल्कि सभी महिलाओं के लिए की गई विवादित टिप्पणी है, अभी आप कहते हैं कि आपकी पार्टी का अपना मामला है ये? नहीं, मैंने ये कहा है कि ये जो आप कह रही है ना कि ये कांग्रेस के नेता है और इन्होंने ऐसा बोल दिया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला ऐसे हुआ, उनकी टिप्पणी सबके ऊपर है जी, ये बात का मैं इनकार नहीं करती हूँ, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जो तस्वीरें इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दर्शक देख रहे हैं, नेता ढुल को तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो भावुक हो रही हैं, ढुल खाप के लोग सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, आप इसी को लेकर कह रहे हैं कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस विवाद की आड़ में कुछ लोग हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर कोई संदेह नहीं है मुझे कि बिल्कुल इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहा जा रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को बोलती हूँ पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता, सच्ची सिपाही, मैं भी इंडिपेंडेंट उतरकर बगावत कर सकती थी, लेकिन फिर मैं अपने लोगों से विश्वासघात करती ना, क्योंकि मैं किस किस बिना पर लोगों के पास जाती कि मैं जिस पार्टी के नाम से आपसे वोट मांग रही हूँ, जिस पार्टी के नाम से जिनकी मैं प्रचार कर रही हूँ, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, अब मेरा उनसे कुछ नहीं रहा क्योंकि मेरी टिकट कट गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे उन्हीं के साथ खड़े रहना है, मुझे उन्हीं का प्रचार करना है, क्योंकि मैं उनमें आस्था रखती हूँ, संपूर्ण आस्था रखती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए खड़े होंगे, वो प्रत्येक महिला के लिए जो भी टिप्पणी की गई है उसके लिए खड़े होंगे। श्वेता ढुल जी, सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ भी मामला नहीं है, अब कल से एक बयान एक कांग्रेस के समर्थक का वायरल हो रहा था, कुमारी सैलजा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, अब ये तो अब विरोधी कह रहे कि कांग्रेस के अंदर महिलाओं का इतना ही मान सम्मान होता है, इतनी इज्जत होती है, ये तो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है पूरा मुद्दा। पहले आप कहती कि राजा का बेटा राजा, यानी क्या कांग्रेस में समर्थ जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर जुड़े रहते हैं, जनाधार बढ़ाते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उन और राजा का बेटा ही राजा बनता है, इसी पर ही पार्टी पर चल रही? दूसरी तरफ आप जैसी महिला, अनिता ढुल जैसी महिला या कुमारी सहजा जैसी महिला, उनको लेकर कभी कोई नेता या कभी कोई समर्थक इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहा है? देखिए, एक इंसान की टिप्पणी करने से उसे पूरी कांग्रेस की टिप्पणी समझ लेना संपूर्ण मूर्खता है, संपूर्ण कांग्रेस। आपको मैं याद दिला दूं फिर, जिस दिन ये टिप्पणी हुई थी उसी दिन मन से, श्वेता जी माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, जिस दिन ये टिप्पणी की गई थी उसी दिन मन से कहा था कि असली कांग्रेस हम है, असली कांग्रेस कौन कह रहा है? कौन? एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति, उसके कहने से कुछ होता है क्या? लेकिन वो सामान्य व्यक्ति भी नहीं, वो सांसद है आपकी पार्टी के।
मैं जानती हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, क्या संपूर्ण कांग्रेस ने कहा है कि ये व्यक्ति ही कांग्रेस है? लेकिन बाकी कांग्रेस ने विरोध भी नहीं किया इस बात का, ना ही उस टिप्पणी का विरोध किया, ना ही महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की उसका विरोध किया। बहुत सेंसिटिव समय है और समय आने पर आपको सारी चीजें दिख जाएगी। ये इतना नाजुक समय है, इलेक्शन का समय है, जहां पल पल की एक एक चीज का फायदा विरोधी उठाना चाहते हैं और वो हम देना नहीं चाहते हैं। सीधी सी बात है, इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी और वो बहुत जल्दी उस चीज की माफी भी मांगेंगे, मुझे ऐसा संपूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता ढुल जी न्यूज 18 से जुड़ने के लिए। श्वेता ढुल, जिन्होंने टिकट कटने के ऊपर जयप्रकाश पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए पोस्ट की थी कि राजा का बेटा राजा बनता है, और फिर जयप्रकाश की तरफ से भी मंच से जो विवादित बयान दिया गया वो भी इशारों में श्वेता ढुल को लेकर ही दिया गया था। आज उसी विवाद को लेकर ढुल खाप ने पंचायत बुलाई थी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये भी कांग्रेस की टिकट की चाह में इंतजार कर रही थी, टिकट नहीं मिला, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव मैदान में है और ढुल खाप पंचायत ने इनका समर्थन कर दिया। 5 गांवों ने जयप्रकाश का विरोध किया, बहिष्कार करते हुए अनिता ढुल को अपना खुलकर समर्थन दे दिया। इसमें फैसला लिया गया कि हमने जयप्रकाश का बहिष्कार कर दिया और अनिता ढुल को समर्थन कर दिया। पूरी 36 जायत ने कर, कोई एक दो ने नहीं, पांचों गांव ने इन इनका अपमान थोड़े करे उन्हें, सारी तो सारी बहुत छोरी और डेडफोन ले रही है भाई। 36 जायत की आली कोई एक नहीं है, इन्हें 36 जायत की महिला का अपमान कर कोई एक का करे, अरे मारा तो जमा कर दिया स्टेज पर चढ़ के कर दिया मारा तो। हाँ न्याय है, यो न्याय करे हमने तो, आगे परमात्मा देखेगा।